जामतारा से साइबर फ्रॉड सीखा और बिहार के लोगों को चूना लगाने के लिए एक दुकान खोलकर बैठ गया। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी। आप जानते हैं कि झारखंड का जामतारा साइबर क्राइम के लिए खूब जाना जाता है, वेब सीरीज भी खूब प्रचलित हुई थी, आपने भी देखा होगा। मगर अब बिहार कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, एक बड़ा जो है वो सेफ जोन बनता जा रहा है उन तमाम साइबर फ्रॉडों के लिए। मगर बिहार पुलिस एक्शन भी लेती है, कई साइबर फ्रॉडों को लाल घर के भीतर भी भेजा जाता है। और इस बीच एक ऐसा बड़ा गिरोह बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा है जो फिंगरप्रिंट बनाकर यानी नकली फिंगरप्रिंट को जनरेट करता था और केवाला के जरिए ये लोग अवैध निकासी करते थे, लाखों लाखों का चूना लगाते थे। बिहार पुलिस ने कई जिलों में कार्रवाई कर इस पूरे गिरोह को उठा लिया। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं। साइबर से रिलेटेड दो और इम्पोर्टेंट हमारे पास में उपलब्धियां हुई हैं, उसके बारे में बता दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बहुत ही यूनिक तरीके का अपराध साइबर से रिलेटेड दर्ज हुआ है जो हम लोगों के प्रकाश में आया है और जिसका उद्भेदन हम लोगों ने कर दिया। पूर्णिया के क्षेत्र में ऐसे आपराधिक गिरोह आ गए थे जो कि केवाला जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट भी यूज़ होते हैं और जिसमें आपका आधार नंबर भी यूज़ होता है, उसको डाउनलोड करके और उससे फिंगरप्रिंट प्राप्त करके और फिंगरप्रिंट के आधार पर और आधार नंबर प्राप्त करके नकली फिंगरप्रिंट बनाते थे और नकली फिंगरप्रिंट बनाने के लिए रबर के सीट पर उसको प्रिंट करते थे और उसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज जो हैं APS उसके माध्यम से खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी भी कर लेते थे। ये बहुत बड़ा मामला हम लोगों के सामने प्रकाश में आया और हमने इसकी पूरी तहकीकात की तो पता चला कि कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा झारखंड के जामताड़ा में इस तरह का आपसी मेलजोल के दौरान इस आपराधिक कृत्य को सीख लिया था। उस पूरे के पूरे गिरोह का हमने उद्भेदन किया और ये उद्भेदन जनवरी से लेकर अभी तक हो रहा है और हमारे पास में सूचनाएं थी कि अलग अलग अपराधकर्मी अलग अलग जगह ट्रेन करके अपना अड्डा बनाए हुए हैं। कल परसों में जो हम लोगों ने कार्रवाई की, अब ऐसा लगता है कि इस पूरे गिरोह के जितने भी अलग अलग ग्रुप बन गए थे उन सब का हमने उद्भेदन कर दिया। 7 मई को पूर्णिया के अमौर थाना के अंतर्गत विशनपुर चौक पर यह पता चला पुलिस को कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कुछ लोगों के द्वारा कई दिनों से लैपटॉप पर फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति का केवाला डाउनलोड कर फिंगरप्रिंट बनाकर अवैध तरीके से पैसे की निकासी की जा रही। इस सूचना पर 7 मई की घटना कल की 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में पूरे गिरोह का पता चला और पूरे गिरोह का उद्भेदन हुआ। मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई। कस्बा थाना में 28 जनवरी को इसी तरह का एक गिरोह पकड़ा गया जिसका कांड संख्या है 40/23, उसमें 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। अमौर थाना में 24 मार्च को हमने गिरफ्तारी की, केस नंबर है 105/23, इसमें भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की। फिर अमौर थाना में हमने 2 मई की गिरफ्तारी की है, उसमें 2 मई को कांड संख्या 135/23 में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की। इसी तरह से अमौर थाना में जो कल हुआ है 141/23 में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। इस प्रकार से इस केवाला के माध्यम से फिंगरप्रिंट के 135/23 में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की। इसी तरह से अमौर थाना में जो कल हुआ है 141/23 में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। इस प्रकार से इस केवाला के माध्यम से फिंगरप्रिंट बना करके पैसे की निकासी करने का जो मामला प्रकाश में है, इसको हम लोग देश के अन्य राज्यों से भी सर्कुलेट करेंगे और आर्थिक अपराध इकाई से ये पत्राचार होगा, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी हम अन्य राज्यों से भी शेयर करेंगे जिससे ये पता चले कि इस तरह का अपराध अन्य राज्यों में भी किस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है या वहाँ पर क्या इसका स्वरूप सामने आया है। 5 मई को ही साइबर क्राइम के विरुद्ध अपराधकर्मियों के विरुद्ध जो हमने साइबर अपराधकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, उसमें नवादा में वारिसलीगंज थाना में 5 मई को हमने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 8 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 9 कीपैड मोबाइल फ़ोन,
84 पेज का एक कस्टमर की विभिन्न प्रकार की जानकारियों का दस्तावेज मिला है, डेटा मिला है, 4 नोटबुक मिली हैं जिसमें कि उनके लेन देन और बहुत सारे अन्य खातों का उल्लेख है, जिसका कि हम लोग गहन अनुसंधान में पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। पटना जिले के मराची थाना क्षेत्र में राजू कुमार पिता रंजीत सिंह के मोबाइल पर विभिन्न नंबरों के माध्यम से फ़ोन कर पॉलिसी की राशि का भुगतान करने की बात बताकर 28,89,817 रुपये की ठगी की बात प्रकाश में आई है। इस लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अज्ञात के विरुद्ध में कांड दर्ज किया है, उसका अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने दिल्ली से आकाश कुमार चांदवाड़ी को रोहिणी से गिरफ्तार किया और उसके अन्य सहयोगी अपराध कर्मियों को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जिसका नाम कपिल त्यागी है, इसको गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के पास से ठगी में कार्य लाए जाने वाले लैपटॉप, 12 ATM कार्ड, 6 मोबाइल, पासबुक, चेकबुक इत्यादि बरामद किया गया। जो ये अभियुक्त है आकाश कुमार चंदवाणी, ये इसके जो है मध्य प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में भी ठगी के कई सारे कांड हैं। कपिल त्यागी जो दूसरा अपराधी है, उसके द्वारा भी पूरे देश में कई अन्य राज्यों में भी ठगी के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसकी हम लोग गहन जांच कर रहे हैं। वर्ष 2017 में UPSTF के द्वारा भी धोखाधड़ी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार से हमने राज्य के बाहर जा कर के भी साइबर अपराधियों अपराध कर्मियों के प्रति कार्रवाई की है, जिसका ब्यौरा हमने आपको दिया। तो आपने सुना, साफ तौर से बिहार के कई जिलों में, पूर्णिया समेत कई हिस्सों में छापेमारियां की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक दुकान में ये लोग एक गिरोह चलाते हैं और लैपटॉप के जरिए केवाला से अवैध फिंगरप्रिंट बनाकर पैसा निकाल लेते हैं। तो बिहार पुलिस का हथौड़ा चला है, कई साइबर फ्रॉड अपनप गए हैं। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG ने 1930 पर कॉल करके संपर्क करने का और कंप्लेन करने का निर्देश भी जारी किया। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।